और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है इस अभियान की वो ये रही कि 99% लोगों ने मास्क डाल रखा है। अभी हमने 10 दिन पहले जब दौरा किया और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है इस अभियान की वो ये रही कि 99% लोगों ने मास्क डाल रखा है। अभी हमने 10 दिन पहले जब दौरा किया। आज एसपी सार बलवान सिंह राणा, डीएसपी अशोक कुमार, डीएसपी जोगिंदर शर्मा और एसएचओ ने साथ मिलकर राजगुरु मार्केट, गांधी चौक, आर्य बाजार व नागौरी गेट का पैदल दौरा किया और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। जहां दूसरी ओर आज से ठीक 10 दिन पहले देखा जा रहा था कि लोग मास्क पहनने में ढिलाई कर रहे थे, एसपी बलवान सिंह राणा द्वारा चलाई गई मुहिम के असर से 99% लोग मास्क में दिखाई दे रहे हैं और यह मुहिम की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब खबर विस्तार से। और जो लक्की मार्केट है उनका दौरा किया है ये देखने के लिए कि जहाँ पर जो भीड़ है और पैदल गश्त जो हमने लगाई गई थी वो पैदल गश्त कितने एफिशिएंटली जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं। आपके साथ जो रोड है आपकी बैक साइड में हम ये देखना चाह रहे थे कि हमने बिल्कुल एंट्री बैन कर दी फोर व्हीलर्स की। वो बैन करने के बाद में जो गाड़ियाँ रोड के ऊपर सवारी उतार दी हैं अपने घर के जो लोग होते हैं क्या उनके यहाँ सवारी उतारने से जाम तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देख रहे हैं रोड के ऊपर भी कहीं जाम नहीं है और अंदर कहीं पर भी कोई अव्यवस्था भी नहीं है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है इस अभियान की वो ये रही कि 99% लोगों ने मास्क डाल रखा है। अभी हमने 10 दिन पहले जब दौरा किया था मार्केट का तो उस वक्त मुश्किल से 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क लगा रखा था। 10 दिन में अगर ये इम्प्रूवमेंट है तो कोरोना से बचा जा सकता है, क्योंकि बहुतियात जो है कोरोना मरीजों के मरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत डेथ भी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 180 के आसपास जो है आंकड़ा पहुँच चुका है और 13,000 के आसपास जो है कोरोना पॉजिटिव लोग जो है वो पहुँच चुके हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई खास बीमारी नहीं है, आती है चली जाती है, ऐसा नहीं है। कोरोना एक महामारी है और जिस तरीके से वर्ल्ड में ये फैली है उससे बहुत जरूरी है कि मास्क लगाएं और साथ के साथ 2 गज की दूरी बना करके रखें। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हो सैनिटाइजर का यूज करें और घर जाते वक्त खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोएं। सर ट्रैफिक इंचार्ज किसे बनाया गया, यहाँ का जो सारा जिम्मा किनको दिया गया? जी अभी आप देख रहे हैं ट्रैफिक की सारी व्यवस्था को और अंदर की और बाहर की दोनों व्यवस्था को हमारे डीएसपी जोगिंदर सिंह जो है वो देख रहे हैं, ट्रैफिक इन्हीं के पास में है और अशोक कुमार जी जो डीएसपी सिटी है वो हेडक्वार्टर भी है, वो यहाँ अंदर की भी और अंदर की व्यवस्था को देख रहे हैं। तो इंस्पेक्टर शमशेर सिंह एसएचओ और राजेश दो एसएचओ जो है हमारे सर ट्रैफिक के वो भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं। 150 के आसपास की पुलिस फोर्स हमने लगा रखी थी, 30 आज के लिए जो है ना एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स हमने दी थी और पूरे शहर के अंदर मुझे कहीं से भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कहीं पर रोड के ऊपर जाम की स्थिति बनी है, बिल्कुल स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है और लोग बड़े प्रसन्न। सर दिवाली के ऊपर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से? जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप निर्भय रहें और बड़े हर्षोल्लास के साथ में दिवाली मनाएं, पर साथ के साथ में जो गेस्ट आपके घर में आते हैं या किसी के घर में जाते हैं तो मास्क लगाना ना भूलें और साथ के साथ मल्टीपल टाइम सैनिटाइजर और हाथ अच्छे से धो करके किसी चीज़ का उपयोग करते हैं या टच करते हैं उसके बाद में खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। मास्क जो है वो जरूरी है और 2 गज की दूरी भी जरूरी है, जब तक दवाई नहीं जब तक ढलाई नहीं। सर जैसा कि पटाखे बेचना और बजाना दोनों प्रशासन की तरफ से मना कर दिए गए हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, फिर भी शहर में पटाखे बज रहे हैं? जी मुझे तो कोई पटाखे की आवाज़ आई नहीं, आपको अगर कोई आई है तो आप मुझे दिखा देना। पटाखे बिल्कुल तरीके से अच्छी तरीके से बैन है, सभी व्यापारी भाइयों को ये मैसेज कर दिया गया था, दे ऑल एग्रीड कि भाई जो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, एनजीटी ने जो बैन लगा दिया उसके बाद हम ग्रीन दिवाली मनाएंगे और वो भली बाती तरीके से दिखाई दे रहा है, कोई कहीं पर पटाखों की हमें कोई